एयर फ्राइड स्टफ्ड लौकी। ज्यादा वैसे ही लौकी अपने आप में हेल्दी और ऊपर से एयर फ्राइड, तो ज्यादा तेल भी नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड लौकी। तो उसके लिए देखिए, मैंने ना ये पानी में रख दिया था लौकी को छील के, और इसके तीन हिस्से कर लिए थे। और आप देख सकते हैं चम्मच से इसको मैंने खाली करके इसको तीनों पीसेस को पानी में रख दिया था। अब बनाना शुरू करूंगी। ये भी पानी में रखा हुआ था, बची हुई अंदर की लौकी है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके अलावा 200 ग्राम पनीर, एक से डेढ़, ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। एक से डेढ़ टेबलस्पून जितना मैं इसमें चटनी डालूंगी धनिया पुदीना की। आपके पास नहीं है तो आप खाली धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत बारीक बारीक काट के। नमक है, जीरा है, सूखा धनिया, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्चें, चाट मसाला। देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल हीट होना रख दिया है, और यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है इनको लौकी को बॉईल करने के लिए। तो मैं इसको डाल देती हूँ, ज्यादा देर नहीं बॉईल करनी, 3 से 4 मिनट खाली, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ जाए। क्योंकि जब एक बार हम स्टफ करेंगे तो स्टफ करके फिर हम बस अब पैन में इसको हल्का सा ही भूनेंगे। तो अब स्टफिंग बना लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए तेल मेरा गरम हो गया, तो मैं इसमें सबसे पहले डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा तड़क जाएगा तो हम डाल देंगे इसमें प्याज। देखिए जीरा ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। जैसे आप पनीर की भुर्जी बनाते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही बनेगा, बस फर्क ये है कि इसमें लौकी के बचे हुआ भी अंदर का सारा सामान डलेगा। और अगर ये बच गया भरने के बाद, तो फिर एज यूजुअल हम जो भी मसाले ऐसे बनाते हैं स्टफिंग वाले, उसको हम फिर नेक्स्ट डे बचे हुए को सैंडविचेस के लिए यूज कर लेते हैं, वापस फिर रखते हैं मुझे। तो ये गया प्याज। अच्छा, अदरक लहसुन की पेस्ट भी डलेगी ऐसे इसमें, तो ये प्याज जरा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है, फिर इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्च डालेंगे हम। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे, अब ये गया 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। ये अदरक लहसुन का पेस्ट का जब रॉ स्मेल चला जाएगा तब मैं इसमें लौकी डाल दूंगी। देखिए इधर ये भी पानी बॉईल होना शुरू हो गया। हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लौकी के पीसे। अब ये पानी छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने इनको वैसे भी पानी में रखा हुआ था, तो इनका पानी जितना छूटता है छूट ही लेंगे। स्वाद अनुसार तब तक मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, ताकि जो पानी छूटना है थोड़ा बहुत छूट जाए, और सूखा धनिया भी डाल देती हूँ 1 चम्मच। अब जब इसको पानी खत्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर पनीर डालूंगी, और लास्ट में डालेगी चटनी बंद करने से सिर्फ 1-2 मिनट पहले। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, ताकि ये थोड़ा इसके अंदर नमक एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं तो ऊपर का इसका जो स्टफिंग है, स्टफिंग नहीं, जो उसका ऊपर का हिस्सा है लौकी का, वो नहीं तो फीका फीका लगेगा। अच्छा देखिए ये हो गया, पानी यहाँ से नहीं निकल रहा, तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/3 टीस्पून चाट मसाला।
और साथ ही साथ डाल दूंगी ये सारा पनीर। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट पकने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे चटनी। पानी सूखने लगा पनीर का, अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। मिर्ची तो चाहिए भाई, वो तो हम भूल ही गए थे, इतनी से हरी मिर्च से क्या होता है ना। चलिए तो 1 मसाले वाला चम्मच काली मिर्च, 1 मसाले वाला चम्मच चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स तो बहुत तीखे नहीं है, जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना साबुत वाली, हम उसको घर में ही चिली फ्लेक्स बना लेते हैं। तो कलर भी तो चाहिए, देखिए अच्छा रंग बिरंगा सा हो गया ना, हरा लाल। ये देखिए ये हो गया, अब डाल देते हैं इसमें चटनी। ये टीस्पून है मेरे पास, पर देखिए कितना हीट करके डाल रही हूँ, तो ये टेबलस्पून जितना ही बन जाता है। तो ये डाल दिया मैंने 1.5 टेबलस्पून जितना चटनी, इसको मिक्स कर दिया और सिर्फ 1 मिनट पका कर अब मैं इसको बंद कर दूंगी। ये हो गया, ये हमारा मसाला हो गया तैयार। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, गैस बंद, और यहाँ पर भी गैस बंद। ये जितना हमने करना था हो गया, मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ थोड़ा सा निकाल के। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा, ये देखिए थोड़ा दबने लगा है, ये देखिए है ना। बहुत ज्यादा अगर दबने लगेगा तो फट भी जाएगा, इसलिए इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब मैं इसको छाननी में छान दूंगी और ये एक बार ठंडी हो जाए सब्जी, फिर इसको इसके अंदर स्टफ करके आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। देखिए मैंने एयर फ्रायर रख दिया है 5 मिनट के लिए प्री हीट होना, और ये देखिए ये अंदर से पूरा भर दिया है। ये देखिए ये तीनों अंदर से भी भर दिए हैं और ऊपर से हल्के हल्के ऑयल से भी ब्रश कर दिए हैं। 10 मिनट के लिए रखूंगी मैं इसको, एक बारी प्री हीट हो जाए तो, और 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा तो तब देखूंगी। अगर इन केस और जरूरत पड़ी तो थोड़ी देर और भी डाल लेंगे। हमने एक्चुअली इसको ओवन में बनाया हुआ है, पैन पे बनाया हुआ है, एयर फ्रायर में आज फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हो सकता है कि 10 मिनट से थोड़े ऊपर भी लग जाए। तो जो भी टाइम लगेगा जब मैं निकालूंगी और डिश आउट करूंगी तब आपको बता दूंगी। ये 10 मिनट्स में देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया, आपको गोल्डन ब्राउन सा दिख रहा होगा, और मैंने एक को रिंग्स में काट दिया ताकि आपको सेंटर से भी दिखा सकूं उसको। तो ये इसी तरीके से आप चाहें तो बटर टोस्ट के साथ, या चाहें तो पराठी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे बटर टोस्ट के साथ बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे ही रिंग्स में काट के और बटर टोस्ट के ऊपर लगा के और उसको खाइए, बहुत स्वाद लगता है। तो फूडीज आप भी इसको बनाइए, खाइए, पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।